बाजार के जाने माने दिग्गज और मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल पर हो या माइक्रो लेवल पर। और आज मैं शुरुआत मैक्रो से करूंगा क्योंकि ढेर सारे डेटा आया, अमेरिका में भी महंगाई के हैं और हमारे यहाँ भी महंगाई के, और साथ ही आईपी के नंबर्स आए हैं। सर, डेटा देखकर नए वित्त वर्ष के लिए आउटलुक क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले बताएं। स्वागत है आपका सर। सो अनिल जी, आउटलुक महीने पे महीने इम्प्रूव हो रही है। यूएस की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, इन्फ्लेशन का डेटा नीचे की तरफ जा रहा है और जो डर था, जो डर का माहौल फैला था कि इंटरेस्ट रेट्स भाग के ऊपर चले जाएंगे, मेरे ख्याल से वो डर का माहौल खत्म हो रहा है। आरबीआई ने तो पॉज अनाउंस कर ही दिया है। मेरे ख्याल से विदेशी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व भी अगले एक दो महीने में पॉज अनाउंस करेगी, शायद फेड और एक रेज छोटा सा करेगी। बट जो डेटा के मुताबिक दिख रहा है कि इन्फ्लेशन का जो इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन का जो माहौल बना था 2022 साल में, वो 2023 साल में वो पिघल रहा है और इससे इंटरेस्ट रेट का आउटलुक, इकोनॉमिक ग्रोथ की आउटलुक मेरे ख्याल से इम्प्रूव हो रही है। और साथ ही साथ अगर जो मेरे ख्याल से आप देखोगे इस रिजल्ट सीजन में, भारतीय कॉर्पोरेट्स की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी बिकॉज इनपुट कॉस्ट का माहौल इम्प्रूव हो चुका है। अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी, क्रेडिट ऑफटेक इंडिया में 17-18% पे चल रही है। सो इंडियन इकोनॉमी की जो पोजिशन है, मेरे ख्याल से 10-12 साल में इतना स्ट्रांग पोजिशन मैंने इंडियन मैक्रो का देखा नहीं है। तो किसी को अगर मैक्रो में सफाई चाहिए, मैक्रो में शांति चाहिए, इससे ज्यादा मैक्रो में शांति पाना मुश्किल है जो आज का माहौल बना हुआ है इंडिया के मार्केट में। बात तो ठीक है कि इससे बेहतर मैक्रो आपको मिलेंगे नहीं जो आपको कल अमेरिका में और भारत में दिखे। अच्छा सर, जैसे जैसे हमने पिछला वित्त वर्ष तो निकाल दिया, अब इस साल के लिए बाजार पर आउटलुक क्या है, क्या पैसा बन जाएगा इस बार इक्विटी मार्केट से? सर देखिए, अगर हम लास्ट 3 साल देखें, इंडिया की इकोनॉमी कोविड से गुजरी है। दूसरे देशों के मुकाबले हमारी इकोनॉमी की पिटाई उस मुताबिक नहीं हुई है जो दूसरे देशों की हुई है। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि अगर आप मुझसे ये सवाल 2020 या 2021 में पूछते, मार्च अप्रैल 2021 में पूछते, तब लग रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा पिट रही है। लेकिन अगर हम 3 साल का नजरिया देखें, इकोनॉमी और मार्केट, सरकार का मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो राधा धन वन ईयर अगर हम 3 ईयर देखें, इकोनॉमी और मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन दिया। अब आगे जाते हैं, अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स को देखें, GDP ग्रोथ 6-7%, इन्फ्लेशन अगर 4-5% ले ले तो नॉमिनल GDP ग्रोथ 10-11%, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ वैसे माहौल में 13-14 के आसपास आएंगे मेरे ख्याल से, 13-14% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, अच्छी कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ 20-21%, ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से पैसा बनेगा। हमारी जो हमारा जो तजुर्बा है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, ऐसे माहौल में हमारे जिस प्रकार की कंपनी हम चुनते हैं, एशियन पेंट, HDFC बैंक, पीडीलाइट, टाइटन, डिवीज लैब, डॉक्टर आर पैथ लैब्स, मेरे ख्याल से ऐसे माहौल में बना के देंगे। ये डिस्क्लोजर मैं दे देता हूँ कि इन स्टॉक्स में मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है। लास्ट 12 महीने में इन स्टॉक्स में का पैसा नहीं कमाया है हमने, लास्ट 3 साल, लास्ट 6 साल में कमाया है। और मेरी उम्मीद है कि गिवन द मैक्रो आउटलुक, ये कंपनीज अच्छा कमा के देंगी अगला 1-2-3 साल। ओके, तो अभी अगले 2-3 साल में अच्छी कंपनियों में पैसा लगाने का मौका है। आपने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च भी की है और आप लगातार करते भी आए। आप एक चीज़ ये जो बता रहे हैं कि ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ी मजबूत हो रही हैं, वो निवेशकों को अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है, जरा सर इसमें बताएं, और इसमें इस आपकी थीम में कौन सी कंपनियां फिट होती है? देखिए, जो कोविड का जो एक बड़ा प्रभाव रहा है इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर, की जो कंपनी टेक्नोलॉजी को काबू करके उसके माध्यम से अपना प्रोडक्ट, अपना सामान, अपना सर्विस बेच नहीं सकती बखूबी से, जो कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी से नहीं कर पाती, वो कंपनियां पीछे रह जा रही है। तो अगर हम उदाहरण ले लेंडिंग में, अगर मैं 6-7 साल पहले की बात बोलूँ, काफ़ी सारे NBFC बड़े NBFC इंडिया में थे 6-7 साल पहले, एटलीस्ट 10 बड़े NBFCs का जिक्र हुआ था इंडिया में। आज के माहौल में अगर हम देखें, सिर्फ 2 ही बड़े NBFCs का जिक्र होता है, वो है बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम। बजाज फाइनेंस इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, चोलामंडलम इन व्हीकल फाइनेंस। एंड इसकी वजह है कि दोनों कंपनी ने, बजाज ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, चोला ने व्हीकल फाइनेंस में, बहुत बखूबी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो आपके दर्शक हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी का असेस किया है, उनका डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करते हुए, तो आप कहीं पर भी वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर या टीवी खरीदने जाए, बजाज फाइनेंस का लोन वहाँ पे ऑफर पे होगा। उनकी क्रेडिट असेसमेंट आपके डिजिटल फुटप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए शानदार है।
और इसकी वजह से आप देखें बजाज फाइनेंस की लोन ग्रोथ 25-30% पे चलती रहती है। 13-14 साल हो गए जब से राजीव जैन जी बजाज फाइनेंस पहुंचे हैं, 25-30% पे लोन ग्रोथ चलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कोविड के दौरान थोड़ी सी गिरी थी, फिर से 24-25% की तरफ चली गई है। और ये वाला माहौल मैं हर एक सेक्टर में देख रहा हूँ। जो कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शानदार तरीके से करती है वो सब कुछ छोड़ के आगे निकल जाती है और बाकी कंपनियां उनका बिखर बिखर हो जाता है। पेंट्स पे हमने काफी बार बात किया, जिक्र किया है कि एशियन पेंट्स का टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किस 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 कमाल का है, दूसरे पेंट कंपनी उनके तो उनके कंपैरिजन में काफी कमजोर है। सिमिलरली ज्वेलरी में टाइटन, स्पेसिफिकली टाइटन की जो एक सब्सिडरी है कैरेट लेन में, उसने भी टेक्नोलॉजी का कमाल का इस्तेमाल किया है। तो हमारा इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ रही है, इसलिए जो कंपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है वो आगे बढ़ रही है, वो अग्रसर है। परफेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जिन कंपनियों ने कोविड के बाद टेक्नोलॉजी पर काम ज़्यादा किया और अपने बिजनेस मॉडल को मजबूत किया, डॉक्टर लाल पैथले, पेज इंडस्ट्री, टाइटन, एशियन पेंट्स, ये बढ़िया निवेश के मौके आपको दे सकते हैं। और दूसरी थीम जो आपने कहा कि जिन कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल को भी सुधारा है, बदला है और नए जमाने के लिए तैयार किया है, ये थीम कैसी है, इसमें कौन फिट होता है? अगर हम बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, मेरे ख्याल से जो HDFC बैंक आज आपको दिख रहा है, HDFC बैंक जो 5 साल पहले था, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उनके टेक्नोलॉजी में उनका कस्टमर भी हूँ, बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे मार्सलस कस्टमर, मैं पर्सनल लेवल पे कस्टमर हूँ उनका। जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस है मुझ जैसे कस्टमर के लिए, बट मोर स्पेसिफिकली उनका जो क्रेडिट अंडरराइटिंग का तरीका है, जिस प्रकार से बिग डेटा का इस्तेमाल, AI का इस्तेमाल वो कर रहे हैं क्रेडिट अंडरराइटिंग से, दूसरे बैंक के मुकाबले ये लोग आगे निकल गए हैं। अगर दूसरा कोई बैंक इनका मुकाबला कर सकता है वो एक्सिस कोटक है टेक्नोलॉजी के माध्यम में। और 4 साल में शशि जगदीशन के लीडरशिप में HDFC बैंक ने टेक्नोलॉजी में बड़ा छलांग मारा है। इसका फायदा उनको ऑलरेडी मिल चुका है, 22-23% से लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों तरफ बैंक बैलेंस शीट 22-23% से ग्रो की है। इनका मार्केट शेयर 4 साल पहले 7% था, आज 12% है, कमाल का मार्केट शेयर गेन रहा है। और इस टेक्नोलॉजी का जो मास्टरी है, टेक्नोलॉजी की उनकी जो स्ट्रेंथ है, इसका मेरे ख्याल से फायदा आने वाले वर्षों में और दिखेगा। जो ताज्जुब होता है मेरे को इंडिया में कि बड़े बड़े कंपनी, HDFC बैंक सोचिए इंडिया के प्रॉफिटेबिलिटी लीग में एक दो या तीन नंबर की बैंक है, विशाल बैंक है, लेकिन ये सारा काम ये लोग चुपचाप करते हैं, ज्यादा मीडिया में आके हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। इसलिए मार्केट को समझ नहीं आती है किस प्रकार से कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया गया है। उसका नतीजा है लास्ट 4 साल में HDFC बैंक की प्रॉफिट कंपाउंडिंग है 22%, शेयर प्राइस कंपाउंडिंग है मात्र 4%। मतलब कि बैंक सस्ता हो गया है और हम जैसे निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका है। हमने दबा के HDFC बैंक लास्ट 1-1.5 साल में खरीदा है और हमें उम्मीद है बैंक आगे जाते हुए हमको और पैसा बना के देगा। अरे सर, अरे सौरभ सर, वो ऐसा मत बोलो मीडिया में आके हल्ला गुल्ला नहीं करता है। मीडिया में आने तो अच्छी कंपनी की जरूरत है, हमें हम भी चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया कंपनियों को, बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट को इंटरव्यू करें, तो हाँ मतलब ज्यादा ना है। पहले हम निवेश कर ले, फिर वो मीडिया में अपनी कहानी सुना। ठीक बात है, तो थोड़ा थोड़ा आती रहे तो बढ़िया है। हाँ, ज्यादा ना आए, हल्ला गुल्ला करने के हिसाब से ना आए, कभी कभार आके नतीजे वतीजे पर बात कर ले। मैंने कहा सौरभ सर की सुन लेंगे सारी बड़ी कमियां, तो आना बंद कर देंगे। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जो बता रहे हैं कि बड़े रीजनेबल वैल्यूशंस वाली कंपनियों पर भी फोकस करना चाहिए, इस थीम को भी समझाएं और इसमें कौन सी कंपनियां आपको पसंद है? देखिए, इंडिया में बिकॉज ये कंट्री में ऑपरेट करना बड़े स्केल पे आसान नहीं है, राइट? आप वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 140 करोड़ की आबादी है, तो बड़े स्केल पे इंडिया में ऑपरेट करना आसान नहीं है। जो मेरा इंडिया में 15 साल रहने का जो तजुर्बा है कि मात्र 20 से 30 कंपनी नेशन वाइड बेसिस पे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। उसका नतीजा क्या होता है, वो 20 से 30 कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर चली जाती है, और जब वो ऊपर चली जाती है बॉम्बे में लोग, बॉम्बे के फंड मैनेजर बोलते हैं महंगा हो गया स्टॉक, इसको अभी लेना नहीं चाहिए। सो इसलिए हमको 2022 जैसे वर्ष बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट 2020 भी हमको उस तरीके से, 2020 का जो कोविड का प्रहार था पहले 4 महीने में, वो काफी हमारे लिए लाभदायक था, और 2022 भी लाभदायक था। बिकॉज ऐसे साल में 2022 में क्या होता है, अच्छी कंपनियों की वैल्यूएशन दब जाती है। तो जैसे दो उदाहरण देता हूँ, लास्ट ईयर के पहले 6 महीने में डॉक्टर लाल पैथलैब्स आधा हो गया शेयर प्राइस, कंपनी वही की वही है, इनफैक्ट कंपनी आज स्ट्रॉन्गर है कोविड के पहले के मुकाबले, लेकिन शेयर प्राइस ज्यादा हो गया। जुलाई के महीने में हमने अपना निवेश डबल कर दिया, करीबन 200-250 करोड़ डॉक्टर लाल हमने जुलाई के महीने में खरीद लिया।
सिमिलरली नवंबर दिसंबर तक, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर तक डिवीज लैब आधा हो गया। अगेन आप अगर डिवीज लैब के कस्टमर से बात करो, दुनिया के जो बड़े फार्मा कंपनी से उनके बात करो, दे से दैट डिवीज लैब आज कोविड के पहले के मुकाबले और शक्तिशाली फ्रेंचाइज है, लेकिन मार्केट ने स्टॉक आधा कर दिया और हमने नवंबर दिसंबर में डिवीज लैब में भी निवेश डबल कर दिया। सो उस तरीके से मेरे को 2022 जैसे साल बहुत लाभदायक लगते हैं, बिकॉज आपको बहुत अच्छी चीज अपने फेयर वैल्यू से 50% नीचे, मतलब फेयर वैल्यू के मुकाबले आधे भाव में आपको मिलता है। कोविड के पहले 4 महीने भी वैसे थे और 2022 मेरे ख्याल से वैसा साल था, इसलिए अनिल जी मेरे को लगता है 2023-24 और लाभदायक रहेगा अच्छे निवेशकों के लिए। बिल्कुल, आपसे आपकी बात सुन के तो सर कॉन्फिडेंस बढ़ भी गया है, तो धीमे धीमे चीज़ें बेहतर होती दिख रही है और वित्त वर्ष 2024 आपके लिए होगा बेहतरीन। अच्छी कंपनियों में निवेश करो, कहाँ करना निवेश वो भी थीम्स आपको सौरभ सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई, एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर। धन्यवाद सर आज समय देने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।